हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका गार्डन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो किसी प्लांट के बारे में नहीं है, बल्कि प्लांटर के बारे में है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि वेस्ट पॉली बैग से आप कैसे ग्रो बैग्स तैयार कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये ग्रो बैग्स कैसे तैयार किए जा सकते हैं। देखिए, मेरे पास ये कुछ पॉली बैग हैं। जैसे ये एक बहुत बड़ा सा है, इसमें कुछ ऑनलाइन सामान आया था मेरे पास। ये एक इससे भी बहुत बड़ा है, इससे भी काफ़ी अच्छा ग्रो बैग तैयार हो जाएगा। इसके बाद मेरे पास ये कुछ छोटे पॉली बैग हैं। अच्छा, ये छोटे ज़रूर हैं, पर इनकी जो ये प्लास्टिक है काफ़ी थिक है। ये जितना ज़्यादा थिक होगा उतना ही मजबूत ग्रो बैग तैयार होगा। ये मेरे पास अभी छोटे साइज़ का है, इसी में बड़े साइज़ के भी मिलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ये एक छोटा मतलब ग्रो बैग तैयार करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं एक बड़ा ग्रो बैग भी आपको तैयार करके दिखाऊंगी। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस पॉली बैग को उल्टा कर लीजिए, मतलब अंदर वाला जो पार्ट है उसको बाहर कर लीजिए। तो ये थोड़ा सा मतलब कम कलरफुल हो जाएगा, तो थोड़ा डिसेंट लगेगा। मतलब इसके जो कोने हैं जितने भी हैं बाहर की तरफ कर लीजिए, जैसे ये मैंने कर लिए हैं। जब कोने पूरी तरह से बाहर हो जाएं, तो उसके बाद इस पॉली बैग को मतलब बेस की साइड से 2-2.5 इंच के ऊपर से छोटे छोटे से 3-4 कट लगा देने हैं। ये जो कट होंगे ये ड्रेनेज होल का काम करते हैं। इसको इस तरह मतलब थोड़ा सा पतला करके फोल्ड करके ये इस तरीके से कट लगाना, ये बहुत आसान है। ये देखिए, मैंने हर तरफ से लगा दिए 3-4 कट। आप एक नीचे भी लगा सकते हो। अब इसको इसके जो ये कोने हैं इनको इस तरह फोल्ड करना है ताकि इनका बेस मजबूत हो जाए, और जब भी इसमें मिट्टी भरेंगे तो ये इधर उधर गिरेगा नहीं। और इसको स्टेपल से इस तरह से दबा देंगे। इसको भी स्टेपल कर देंगे इस तरीके से, ये देखिए। अब इससे क्या है, इसका जो बेस है वो थोड़ा सा फ्लैट हो गया है। अब इसको जब भी ज़मीन पे या किसी मतलब प्लेन एरिया पे रखेंगे तो वो गिरेगा नहीं। अब इसके जो ये किनारे हैं इस तरह से फोल्ड कर लें, इसको एक और डबल फोल्ड कर लें। इससे क्या होगा, ये मजबूत हो जाएंगे इसके किनारे इस तरीके से। ये हो गया ना। अब इसमें कहीं कहीं पर कुछ मतलब स्टेपलर से इसे पिनअप कर दें। देखिए, ये तैयार हो गया हमारा एक छोटा ग्रो बैग। अभी देखिए, इसे हम मैं बिना मिट्टी के भी रखूँगी तो ये खड़ा रहेगा, ये गिरेगा नहीं इधर उधर। अच्छा, छोटा तो मैंने आपको दिखा दिया, इसके बाद मैं आपको एक बड़े पॉली बैग से भी ग्रो बैग तैयार करना दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ऐसे तो जो मेथड मैं इसमें बताऊंगी वो कोई अलग मेथड नहीं है, सेम मेथड है। बट मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि इस पॉली बैग का जो मटेरियल है वो काफ़ी थिन है। हालांकि इतना भी थिन नहीं है, बस उस छोटे वाले मतलब बैग से थोड़ा सा थिन है, पर ये भी आसानी से ग्रो बैग का काम कर सकता है। इसको भी सेम तरीके से उल्टा कर लीजिए आप, जैसे उसमें करे थे कोने बाहर की तरफ, उसी तरह इसमें भी कर लें। ये देखिए, मैंने ये पूरी तरीके से उल्टा करके इसके कोने बाहर निकाल दिए। ये देखिए, अच्छा, जो हमारा मतलब थिक मटेरियल वाला था उसको तो मैंने एक फोल्ड करा था, इसमें आप दो फोल्ड करें ताकि ये थोड़ा सा मजबूत बन जाए और इसे खड़ा होने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
ये देखिए, ये मैंने एक करा, ये दूसरा करा, इससे बेस मजबूत हो जाएगा और ये गिरेगा नहीं। ये देखिए, ये मेरा स्टेपलर भी अटक गया। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसे छोटे ग्रो बैग के किनारे मैंने फोल्ड किए थे, सेम उसी तरीके से इसके किनारे भी फोल्ड करने हैं और डबल फोल्ड करना है। क्योंकि ये बड़ा ग्रो बैग है तो इसके किनारे डबल फोल्ड करने के टाइम ही आप स्टेपल करते चले जाएं। क्योंकि मेरा तो ये स्टेपल थोड़ा सा अटक गया है तो वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, बस ये फोल्ड करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हो गया हमारा ग्रो बैग तैयार। देखिए फ्रेंड्स, थिन मटेरियल का होने के बावजूद भी ये खड़ा हो गया। अच्छा, इसमें मैंने ड्रेनेज होल नहीं बनाए, मैं अभी बना देती हूँ उनको भी, ताकि आपको भी एक बार और क्लियर हो जाए। इसको थोड़ा सा नीचे से बनाए। मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एकदम बराबर ही हो, कहीं भी आप 3-4 होल बना दीजिए ताकि जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे ग्रो बैग तैयार, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात बता दूँ, अगर आपके पॉली बैग का जो मटेरियल है वो थोड़ा थिन है तो दो पॉली बैग को एक साथ जोड़कर भी आप ग्रो बैग तैयार कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा आपका ग्रो बैग। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि कैसे आप वेस्ट पॉली बैग से बहुत ही आसान तरीके से ग्रो बैग्स तैयार कर सकते हैं। ऐसे ग्रो बैग्स तैयार करने से आपके गार्डनिंग का जो शौक है वो बहुत ही कम खर्चे में पूरा हो जाएगा। ये देखिए, मैंने तो एक प्लांट इसमें लगा भी दिया है, देखिए कितनी आसानी से खड़ा है, ऐसा नहीं है कि इधर उधर गिर जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसे वेस्ट पॉली बैग से ग्रो बैग तैयार करने से गार्डनिंग की कॉस्ट तो कम आती ही है, साथ ही हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प मिलती है। तो देर किस बात की है, आप भी तैयार करें ऐसे ग्रो बैग्स। फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू।